Hello, good evening. So, let's start with our first question. Our first question is Galsworthy as a Dramatic Artist, 1926 is a book one. ये एक बुक है जो Galsworthy पे लिखी गई है. Galsworthy as a Dramatic Artist 1926 में आई है. तो ये किसने लिखी है हमें ये बताना है. तो ये बुक है रॉबर्ट हे कोट्स की. ओके, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा जो हमारे सिलेबस में राइटर मेंशन होते हैं उनसे रिलेटेड बुक वगैरह या उनको उनके ऊपर किसी ने क्या कमेंट किया है इन सब से क्वेश्चन आ जाता है. ओके, और Galsworthy के बारे में यू नो Galsworthy वाज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल इन सरे इंग्लैंड. ओके, और जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया था ऑनर्स इन लॉ फ्रॉम न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन हेल्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म, किसका स्वागत किया गया किसके रूप में एज द फादर ऑफ रियलिज्म, किसको माना गया रियलिज्म का फादर. तो वो माना गया है हेनरिक इब्सन को. ओके, एक नॉर्वियन प्लेराइट थे और इनको रेफर किया गया द फादर ऑफ रियलिज्म. और ये सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेराइट थे ऑफ ऑल टाइम्स आफ्टर शेक्सपियर. मतलब शेक्सपियर के बाद ये सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेराइट थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इब्सन को क्यों माना गया, अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ रियलिज्म क्यों माना गया, क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड. तो जो ये हेनरिक इब्सन है इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने ही ब्राउट रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ऑर्डनरी मिडिल क्लास पीपल, है ना. उन्होंने जो ऑर्डनरी मिडिल क्लास था इसके ऊपर प्रकाश डाला. ओके, और जो उनकी एवरीडे कंटेम्प्रेरी इशू थे वो ये कहाँ पे लेके आए, टू द स्टेज तक लेके आए. तो इसलिए उनको फादर ऑफ रियलिज्म माना गया. ठीक है, मतलब इन्होंने वास्तविकता से हमारा सामना कराया अपने प्ले में अपने वर्क में. ओके, नेक्स्ट, हु टीच इंग्लिश टू कैथरीन इन हेनरी फिफ्थ में कौन कैथरीन को इंग्लिश पढ़ाता है. ओके, ये पढ़ाती है एलिस. ओके, एक ओल्ड जेंटलमैन होती है एलिस, वो शुरू करती है टू टीच इंग्लिश टू कैथरीन. कैथरीन कौन थी, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस. ओके, हेनरी फिफ्थ के करेक्टर हैं ये. आपको एक न्यू पॉइंट मिला कि हेनरी फिफ्थ में कैथरीन और एलिस ये दो करेक्टर भी हैं. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एलिस किस प्ले में है तो आपको याद रखना है हेनरी फिफ्थ में है. ओके, और वो उसको पढ़ाती थी और उसको मतलब इंग्लिश टीचर इंग्लिश उसको इंग्लिश सिखाती थी. और हेनरी फिफ्थ की बात करें तो 1599 में आया था. ओके, और ये फोकस करता है जो इवेंट्स होते हैं बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एजेनकोर्ट. यू नो एजेनकोर्ट, द बैटल ऑफ एजेनकोर्ट हुआ था ना 1415 में, तो ड्यूरिंग द हंड्रेड ईयर वॉर के दौरान. तो उस पर फोकस करता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है ये वाला प्ले हेनरी फिफ्थ. ओके, सोर्स आपको पता ही है हिस्ट्री प्ले का क्या है, राफेल कॉलिंस क्रॉनिकल्स. ओके, और जो ये प्ले है ये शुरू होता है विद ए प्रलोग. आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि हेनरी फिफ्थ दिस प्ले मतलब हेनरी फिफ्थ बिगिंस विद ए प्रलोग. नेशनल एंथम इन फाइव एक्ट की बात हुई है इस प्ले में, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है वीडियोस में. ओके, नेक्स्ट, इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जूलिया एडवाइज लुसेटा ऑन व्हाट सब्जेक्ट. ओके, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कहाँ का है, इधर प्ले किसका है, शेक्सपियर का, सबको पता है. तो उसमें वो क्या एडवाइस करती है, यू नो लुसेटा से किस सब्जेक्ट पे एडवाइस लेती है ना. तो वो एडवाइस देती है विच शूटर शी शुड फॉल इन लव विद. अब ये समझो कि लुसेटा कौन है. लुसेटा एक करेक्टर है शेक्सपियर की प्ले में, बहुत ही विटी मतलब बुद्धिमत्ता से भरी हुई एक लॉयल मेड. ठीक है, किसकी, जूलिया की, एक लॉयल मेड है. तो आपको पता ही है जूलिया तो उस प्ले की हीरोइन है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. जूलिया वाला क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में भी आया, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी आया था. तो वो विटी है लुसेटा,
लॉयल मेड है किसकी, जूलिया की। आपको याद रखना है कि लुसेटा किस प्ले में आती है, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, ठीक है, याद रखना है। और जो लुसेटा है ना, इसका जो रोल दिखाया गया है ना प्ले में, वो प्रोवाइड करने के लिए कॉमिक रिलीफ है ना। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में, जो बॉलीवुड मूवी होती हैं उसमें जॉनी लीवर का रोल होता है, तो वो किसके लिए आता है, वो कॉमिक रिलीफ के लिए आता है, ठीक है। जिससे हम कुछ मतलब मूवी में कुछ चल रहा हो थोड़ा ट्रेजिक सा, और फिर जॉनी लीवर का रोल दिखा के, मतलब उसका कुछ करेक्टर दिखा के थोड़ा क्या करते हैं ऑडियंस को काम करते हैं, है ना। इसी तरह से लुसेटा का करेक्टर है जो प्ले में क्या करता है, कॉमिक रिलीफ देता है। और उसकी एडवाइस के बाद ही ना, मतलब उसको एडवाइस देती है जूलिया को अपनी पूरी मतलब प्ले में पूरी चढ़नी में। और इस क्वेश्चन का सीन क्या है कि जूलिया जो है बैठी होती है लुसेटा के साथ अकेली, तो जूलिया क्या करती है, वो लिस्ट बनाती है ऑल ओवर सूटर्स, यू नो सूटर्स जो शादी के लिए आते हैं ना, उनकी लिस्ट बनाती है लुसेटा के लिए, एंड आस्क लुसेटा, और लुसेटा से पूछती है कि टू पिक फॉर हर, कि उसके लिए एक चुन लो इनमें से, मतलब जो तुम्हें लगता है कि जो क्या है वर्दी ऑफर लव, जो उसके प्यार के लिए ज़्यादा योग्य हो, ओके। तो लुसेटा फिर उसको रिप्लाई करती है कि उसे जो है शी शुड फॉल इन लव केयरफुल्ली, मतलब वो इस तरह की एडवाइस देती है, उसको बताती है कि विथ शूटर शी शुड फॉल इन लव विथ, कि किस शूटर से उसको प्यार करना चाहिए, मतलब किसको अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ राइट्स हम्बल एंड डस्टिक लाइफ बट चूजन बिकॉज इन दैट कंडीशन द इसेंशियल पैशन ऑफ द हार्ट, यू नो ये पूरी एक कोट है, ये इसी से पूरी होगी कि हम्बल एंड डस्टिक लाइफ, ओके, जो हम्बल और डस्टिक लाइफ है बट चूजन, वो चुनी गई है बिकॉज इन दैट कंडीशन, क्योंकि इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में जो इसेंशियल पैशन होता है ना हार्ट का, जो जरूरी आवश्यक पैशन होता है हार्ट का, फाइंड ए बेटर सोइल, मतलब तभी उसको सही प्लेटफॉर्म मिलता है। ये बात उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पे बोली है, ओके। और वर्ड्सवर्थ ने इस सिचुएशन को चूज किया है, मतलब चुना है हम्बल एंड डस्टिक लाइफ को, क्यों ये चुना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो सच कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लिव मोर ओपनली एंड स्पीक मोर डायरेक्टली, ओके, वे ज़्यादा ओपनली रहते हैं, ज़्यादा ओपनली बोलते हैं देन द अपर क्लास, यू नो अपर क्लास से ज़्यादा, ओके। और वो क्या रहते हैं, उन्होंने वो चाहते हैं, वो चुनते हैं रस्टिक पीपल को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो नेचर के ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ओके। तो और आपको पता ही है वर्ड्सवर्थ ने तो बात की है ना, वर्ड इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन की बात की है, और वर्ड्सवर्थ ने ये भी बोला है कि जो कभी होता है वो क्या करता है, वो सिंग्स ए सॉन्ग, एक ऐसा गाना गाता है इन विच, जिसमें ऑल ह्यूमन बींग्स ज्वाइन विद हिम, उससे जुड़ जाए, ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो वो ये सब क्यों कह रहा है, वो इसलिए तो कह रहा है, मतलब उन्होंने बोला है कि रियल लैंग्वेज, एक रियल लैंग्वेज की भाषा में उन्होंने, इसीलिए उन्होंने हम्बल और रस्टिक लाइफ को चुना है। बाप समझ गए होंगे, काफ़ी हो गया, ओके। नेक्स्ट, लव क्वारल्स ऑफ्ट इन टीजिंग कंसोर्ट एंड इज ए लाइन फॉर्म, ये लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन है सैमसन एगोनिस्ट की, ओके। अब इसमें क्या है, ये कोर्ट क्या सजेस्ट कर रही है, आपको पता ही है सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन और डेलिला का वो दिखाया है लव, ओके। तो हालांकि डेलिला उसको धोखा दे देती है सैमसन को, लेकिन इस कोर्ट में क्या है, लव क्वारल्स ऑफ्ट इन प्लीजिंग ओफन, मतलब इन प्लीजिंग कनकोर्ट एंड, यू नो क्या होता है जब दो लोग होते हैं रिलेशन में, तो बहुत ज़्यादा डिस्पाइट, यू नो डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनके रिश्ते में, आर्ग्यूमेंट आते हैं उनके रिलेशनशिप में, फिर भी उसका रिजल्ट क्या होता है, बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनमें झगड़े होते हैं, लव क्वारल्स लिखा है ना, क्वारल्स झगड़ा, फिर भी बाद में रिजल्ट क्या होता है, एक उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, एक हारमोनियस रिजोल्यूशन, उसका एक सामंजस्यपूर्ण क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा जब दो लोग होते हैं साथ में तो उन्हें आपस में झगड़े भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन इस सब के झगड़े के बाद भी क्या होता है, एक प्लीजिंग एंड होता है, यू नो बाद में फिर भी सब क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है ना, लड़ाई करके भी एक जगह रहता है ना,
ऐसा ही होता है सेम. ओके नेक्स्ट सैमसंग यूनिवर्सिटी की है लाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन, किसने लिखी है लाइन. फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दो इज अनपेड इन यू वर बोर्न वाज ब्यूटी समर डैट. ओके शॉर्ट नंबर 104 की है, बेबी सेयर का क्वेश्चन नहीं है और शेक्सपियर का सोनेट है. सोनेट नंबर 104 आपको पता ही. तो ये जो सोनेट है 104 ये डील करता है किससे. दिस सोनेट डील्स विद द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ टाइम. यू नो जो जब हम एज वी ग्रो ओल्डर जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लगती है, हमारी ब्यूटी सब बैलेंस होने लगती है ना सारी चीज़ें. तो यहाँ पे जो इन्होंने सिंबलाइज किया है दो एज अनब्रेड इर, यू नो इसका मतलब क्या है. दो एज अनब्रेड का मतलब है फ्यूचर जनरेशन. वो कह रहे हैं स्पीकर यहाँ पे बताना चाहता है कि नो मैटर व्हाट दे सी अराउंड देम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज हम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं. ओके द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन जो है ना टू हैव लिव्ड जो जिंदा रहा है इज नाउ डेड, वो अब क्या हो चुका है मर चुका है. यू नो लोग आते हैं है ना और फिर कुछ समय बाद एज्ड होते हैं और मर जाते हैं. यू नो ब्यूटी क्या हो जाती है वैनिश हो जाती है. ओके तो उन्होंने यही अपना बताया इसमें सोनेट नंबर 104 में. और देखो जैसे इसमें ये फर्स्ट लाइन है नेक्स्ट क्वेश्चन की, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड. यहाँ पे शेक्सपियर ये भी इसी की है सोनेट नंबर 104 की, इसमें वो यही बोल रहे हैं. उन्होंने डेडिकेट किया है ना ये किसको, फेयर यूथ को. ओके तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, टू मी फेयर फ्रेंड मेरे मतलब प्यारे दोस्त यू नेवर कैन बी ओल्ड, मेरे सुंदर दोस्त तुम क्या नहीं हो सकते कभी बूढ़े नहीं हो सकते. तो आप चाहे तो सोनेट नंबर 104 की समरी पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं आपको पूरी समरी नहीं बता सकती लेकिन इसका कहने का ओवरऑल मीनिंग यही है कि वो शुरू में यही कहना चाह रहे हैं कि तुम कभी ओल्ड नहीं हो सकते और वो सब डील करते हुए बता रहे हैं सोनेट में जो फोर्स है जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ऑफ टाइम की समय की. यू नो जैसे जैसे समय बीतता जाता है चीज़ें क्या होने लगती हैं चेंज होती चली जाती है ना एज वी ग्रो ओल्डर, ये सब डिस्क्रिप्शन है इसमें. ओके नेक्स्ट अच्छा हाँ सोनेट की बात करते हैं. ये जो 104 है इसको डेडिकेट है मैंने आपको बताया था फेयर यूथ को. और शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं 154 लिखे हैं जो पब्लिश हुए थे किसके द्वारा, थॉमस थोर्प के द्वारा इन 1609. ओके और 154 सोनेट्स में से 126 डेडिकेट किए थे किसको, हैंडसम यंग मैन, यू नो हैंडसम यंग मैन WH को. और 127 से लेके 152 तक डेडिकेट किए थे किसको, डार्क लेडी को जिसको आइडेंटिफाई किया था बाद में मैरी फिटन के रूप में. ओके और सोनेट नंबर 153 एंड 154 ये डेडिकेट किया है लव गॉड क्यूपिड को. ओके और दो तीन सोनेट इसमें ऐसे थे जिन्होंने पैटर्न को फॉलो नहीं किया था. पैटर्न क्या है कि सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं. तो लेकिन कुछ सोनेट ऐसे थे दो तीन जिन्होंने पैटर्न को फॉलो नहीं किया था. अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से सोनेट थे. सोनेट नंबर 99 इसमें क्या थी, 15 लाइन्स थी. ओके इसने फॉलो नहीं किया पैटर्न को, याद रखना है मे बी क्वेश्चन आ जाए. सोनेट नंबर 126 इसमें कितनी थी, 12 लाइन थी, इसने भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया. और सोनेट नंबर 145 ये केवल ऐसा सोनेट था जो लिखा गया था आयम्बिक टेट्रा मीटर में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन लिफ्ट नोट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूज वॉर अपियर्स इन, यू नो ये बताना है लाइन कहाँ पे है. ये लाइन है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, किसका है ये सोनेट, मिल्टन का है. ओके सोनेट नंबर 8 रिटन इन 1642. ओके तो जो एक क्वाट्रन है इसमें वो ये सजेस्ट करते हैं स्पीकर जो है क्या कर रहा है, स्पीकर इज अर्जिंग समवन, वो अर्ज कर रहा है कि मतलब किसी से कि नोट टू हार्म, हार मत पहुंचाओ मतलब हानि मत पहुंचाओ और अटैक मत करो द रियलिम ऑफ द म्यूजेज, यानी कि जो म्यूजेज हैं उनकी जो प्रभुता है ना उसे क्या ना करो, उसे हानि मत पहुंचाओ, उस पर अटैक मत करो, ऐसा स्पीकर अर्ज कर रहा है इस क्वाट्रन में. ओके याद रखेंगे जो ये सोनेट है एंड द असोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये दिखाता है मिल्टन्स का
ग्रैंड पोइट्री स्टाइल। ओके, मिल्टन ने ग्रैंड पोइट्री स्टाइल में लिखा है ना, वो इस सोनेट में शो करते हैं। और इट वॉज रिटन ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, यू नो, जब पॉलिटिकल इशूज चल रहे थे तब ये सोनेट लिखा गया था। और ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो है, मतलब ऐसा उस टाइम पे बिलीव किया जा रहा था कि देयर वुड बी एन अटैक ऑन लंदन बाय चार्ल्स फर्स्ट, कि चार्ल्स फर्स्ट के द्वारा इस समय पे क्या होगा, ऐसा मतलब माना जा रहा था। ठीक है, और सोनेट की आपको पता होगा लाइन, ये काफ़ी पॉपुलर है, मैंने पहले पढ़ाई है वो। तो उसमें क्या कर रहे हैं मिल्टन, इसी सोनेट में कह रहे हैं हीरोज से, यू नो, जो इसका ओवरऑल समरी है मैं आपको बता रही हूँ, वो हीरोज से कह रहे हैं टू स्टेप फोर्थ, आगे बढ़ो एंड क्या करो, प्रोटेक्ट हिज सिटी, अपने शहर को प्रोटेक्ट करो, एंड इट्स पीपल, अपने लोगों को, एंड एज ए रिवार्ड, और इसके बदले जो रिवार्ड मिलेगा तुम्हें वो क्या करेंगे, वो तुम्हें ही वुड इमोर्टलाइज देम इन हिज पोम्स। ओके, जो मिल्टन है वो क्या करेंगे, तुम्हें क्या करेंगे, इमोर्टलाइज कर देंगे, यू नो, अमर बना देंगे, किसमें, अपनी पोएम्स में। ठीक है, मतलब जो लोग आगे बढ़ के, है ना, जो हीरोज बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सिटी को, इसके लोगों को, तो उसके बदले में, मतलब एज ए रिवार्ड, मिल्टन क्या करेंगे, उन्हें अपनी पोएम्स में अमर कर देंगे, मतलब उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर, लगभग जो सारे व्यक्ति हैं वो कम ह्यूमरस हैं शेक्सपियर से, बट मोस्ट मैन, लेकिन अधिकांश मैन आर मोर ह्यूमरस देन मिल्टन, ज़्यादा ह्यूमरस है किससे, ज़्यादा मतलब हास्यपद हैं मिल्टन से। ये किसका रिमार्क है, ये रिमार्क दिया है वॉल्टर रॉली का। ओके, इस तरह के स्टेटमेंट पेपर में पूछे जाते हैं। हु कंसिडर सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन, किसने ऐसा माना कि जो सैमसन एगोनिस्ट है ना, एक्शन में कैसा है, डिफेक्टिव है, यू नो, कुछ डिफेक्ट है इसमें, ऐसा मानना था डॉक्टर जॉनसन का। ओके, नेक्स्ट, डिसोल्व मी इनटू स्टेसिज, यू नो, एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माय आईज, यू नो, डिसोल्व मी, डिसोल्व क्या होता है, विलीन कर दो, इनटू किसमें, मुझे परमानंद में, एंड ब्रिंग और लाओ ऑल हेवन, सारे हेवन को, बिफोर माय आईज, मेरी आंखों के सामने। ओके, कहाँ की लाइन है ये, ये दो लाइन मिल्टन की इल पेंसिल ऑफ की है। ओके, काफ़ी पॉपुलर लाइन थी इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो इल पेंसिल ऑफ क्या है, आपको पता कि इटालियन वर्ड है मिल्टन का था ना, जिसका मतलब है द थॉटफुल मैन। और ये दो कंपेनियन पोएम है, एक तो एल एलिग्रो और एक इल पेंसिल ऑफ। ओके, मिल्टन की है ये। तो एल एलिग्रो में सेलिब्रेट्स करते हैं मिल्टन मर्थ, मतलब खुशी, और इल पेंसिलोसो में वो इन्वोक करते हैं द गॉडेस ऑफ मेलनकली। ओके, मेलनकली की, मतलब गॉडेस ऑफ मेलनकली को इन्वोक करते हैं। और ये पहले पब्लिश हुआ था इल पेंसिलोसो, मतलब इट इज फर्स्ट पब्लिश इन पोएम ऑफ मिस्टर मिल्टन, एक वो आया था ना कलेक्शन उनका 1645 में, उसी में पब्लिश हुआ था। ओके, थोड़ा ये जो इल पेंसिलोसो है ऑटोबायोग्राफिकल है इन नेचर, और जो ये इल पेंसिलोसो है इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इट इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, जो सारे पॉइंट बोल रही हूँ किससे, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, आपको अटेंटिवली सुनना है। ओके, और इट इज़ रिटन इन राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, और इट इज़ ए पेस्टोरल पोएम। ओके, ये तो पता ही है आपको, पेस्टोरल पोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन, ही इज एज एडमायरेबल एज वर्जिल और दांते। ओके, अपने मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से फ्लॉलेस परफेक्शन, अपने जो उनका फ्लॉलेस परफेक्शन है, मतलब ऐसा परफेक्शन जिसमें कुछ कमी ही ना हो उनके रिदम में और उनके डिक्शन में, तो वो उतने ही एडमायरेबल हैं, उतने ही प्रशंसनीय हैं जैसे कि वर्जिल और दांते, है ना। और इस रेस्पेक्ट में ही इज, अगर मतलब इस तरह का सम्मान लिया जाए इस डिफरेंस में, इस संदर्भ में, ही इज यूनिक, वो यूनिक हैं अमंग्स अस, हम सबके बीच क्या है, यूनिक है, नन इल्स इन इंग्लिश लिटरेचर पजेस लाइक डिस्टिंक्शन। ओके,
उनकी तरह है ना, नन इज, कोई भी नहीं, इंग्लिश लिटरेचर में कोई ऐसा नहीं है, है ना, सबसे वो क्या है, अलग है, ऐसा मानना था मैथ्यू अर्नोल्ड का। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड टर्जा रिमा इन टू इंग्लिश, किसने इंट्रोड्यूस किया था टर्जा रिमा को इंग्लिश में, इसे इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वाइट ने। ओके, और ये इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में किया था थॉमस वाइट ने 16th century में। ओके, और बहुत सारे 19th century के रोमांटिक पोएट्स हैं ना, जैसे कि सैली, सैली का ओड टू द बेस्ट विन, बायरन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन सब ने इस पर मतलब टर्जा रिमा का एक्सपेरिमेंट किया, मतलब टर्जा रिमा के उस पर वो लिखा, अपना वर्क लिखा, जैसे शैली ने ओड टू द बेस्ट विन टर्जा रिमा में लिखा। ओके, तो याद रखेंगे हम ये पॉइंट। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, इस तरह से चलती है इसकी राइमिंग स्कीम टर्जा रिमा, यू नो, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इन शेक्सपियर्स इंग्लैंड ए बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911 में आई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक लिखी गई है डॉवर विल्सन के द्वारा, याद रखना है आपको, लाइफ इन शेक्सपियर्स इंग्लैंड। ओके, एस टी कोलरिज वाइल रिजाइडिंग इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इन द 1809 स्टार्टेड द मैगजीन। ओके, ये बताना है, एस टी कोलरिज जब लेक डिस्ट्रिक्ट में रिजाइड कर रहे थे 1809 में, तो उन्होंने कौन सी मैगजीन स्टार्ट की थी, उन्होंने मतलब लिखना शुरू किया था द फ्रेंड, ऐसे मैं आपको बता दूँ कि जो फ्रेंड है, लेकिन तो उन्होंने स्टार्ट की थी लेक डिस्ट्रिक्ट पे, वर्षवत के फ्रेंड थे एस टी कोलरिज, ये तो आपको पता ही होगा, उन्होंने वर्षवत के साथ मिलके लिरिकल बैलेट्स लिखा है, तो लेकिन जो ये फ्रेंड मैगजीन उन्होंने चलाई थी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चली। ओके, कुछ दिन चल, मतलब कुछ दिन ये आई, पब्लिश हुई, मतलब स्टार्ट हुई मैगजीन, फिर कुछ समय के बाद ये बंद हो गई। ओके, 18th century के राइटर्स हैं, उन्होंने सटायर यूज़ किया फ्रिक्वेंटली, किसके लिए, फॉर अटैकिंग, अटैक करने के लिए ह्यूमन वाइसेस एंड फोलीज। ओके, जो मानवीय वो थे और अब वो थे, उस पर क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। ओके, अब आप क्या करेंगे, गूगल करके देखेंगे 18th century में कौन कौन से राइटर्स आते हैं। ओके, द अंडरलाइंग थीम ऑफ द 20th century लिटरेचर इज, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यू नो, और इनके आंसर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैं, तो जो अंडरलाइंग थीम है 20th century लिटरेचर की इज दैट ऑफ, क्या है वो, एटोमाइज करना किसको, सेंसिबिलिटी को। ओके, हु वाज डिपोज्ड, किसको डिपोज कर दिया गया फ्रॉम द इंग्लिश थ्रोन इन द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन 1688, याद रखना है 1688 में आई थी, आपको ये भी याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिला कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी, 1688 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में आई थी, किसको डिपोज किया गया था, ये डिपोज किया गया था जेम्स सेकेंड। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दिया, इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड यू नो एंड देंस अगेंस्ट द अनडाइवर्स्ड प्रिटेंस आई फाइट ऑफ ट्रीजनस मैलिस, ट्रीजनस मैलिक। ओके, ये स्टेटमेंट बैंको का है, यू नो बैंको कहाँ आया था, अच्छे से पता होगा, बहुत पॉपुलर करेक्टर है मैकबेथ का। ओके, तो आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन, राजा डंकन के मर्डर के बाद का सीन है ये, एक्ट टू सीन थ्री में है ना, तब बैंको ने बोला था, मतलब बैंको ने कहा था कि इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड यू नो आई एम पुटिंग माई सेल्फ, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद को रख रहा हूँ किसके, भगवान के हाथों में। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से समस्याओं से घिरे होते हैं तो हम ये बोल देते हैं ना कि हमने सब क्या छोड़ दिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, अब जो करेंगे वही कर लेंगे, तो ऐसे कह रहा है बैंको, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा द ट्रीजन, जो वो है ना ट्रीजनस यू नो, जो इन्वॉल्व हैं किसमें, मर्डर में यू नो, उनका जो उनका प्लॉट है ना, तो मैं उनके अगेंस्ट लड़ूंगा। ओके, तो ये कहना चाह रहा है, ओके, आई विल फाइट द ट्रीजनस प्लॉट बिहाइंड दिस मर्डर, किसके मर्डर की बात चल रही है, किंग डंकन। ओके, मैं उनके अगेंस्ट क्या करूँगा, लड़ूंगा, फाइट करूँगा। ओके, भगवान क्या है, मैं आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ओके,
तब भगवान को साक्षी मान के वो इस तरह से स्टैंड कर रहा है, लिखा है ना, आई स्टैंड। ओके, थैंक यू।